नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज हमारे पास फाइनली Xiaomi का नया डिवाइस Mi A2 आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन मैं आप सभी के लिए अनबॉक्सिंग के लिए भी लेके आया हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एंड्रॉयड 1 की इंटीग्रेशन के साथ आता है और यहाँ पर Xiaomi ने ब्रांडिंग भी की हुई है इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन। साथ साथ मैं आपको बॉक्स में और भी एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पर कंपनी ने खास तौर पर लिखा है कि ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। तो चलिए आज मैं आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को खोल लेता हूँ और मैं आपको इसका बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ये कन्वर्टर मिलता है। यहाँ पे आप 3.5 mm ऑडियो जैक डालेंगे और ये आपके फ़ोन के चार्जिंग स्लॉट में लगेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको एक यूज़र गाइड मिल जाएगी। कंपनी इसके साथ आपको एक सिलिकॉन कवर भी दे रही है, थोड़ा सा ब्लैक शेड का है ये। इसके अलावा जो आपको बताना भूल गया कि आपको इसमें ये सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है। अब हम फोन को निकाल लेते हैं और बॉक्स को मैं साइड में कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Mi A2 मेरे हाथ में है और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है स्मार्टफोन। काफ़ी हद तक पीछे से Xiaomi Redmi Note 5 Pro की तरह है। पर एनीवे, मैं अभी आपको इसके डिज़ाइन के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी हम और बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको ये पावर अडैप्टर भी मिल जाता है जिस पर 5V 2A लिखा है। और इसके साथ साथ आपको एक टाइप सी केबल भी मिल जाएगी, यानी जब आप स्मार्टफोन खरीदेंगे ये सारी एक्सेसरी आपको इस फ़ोन के साथ मिलने वाली है। अब सबसे पहले अगर हम इस फोन की लुक्स की बात करेंगे तो फ्रंट से आपको पूरी तरह से Xiaomi Redmi Note 5 Pro की तरह ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम ऊपर और नीचे की तरफ बेजल दिए गए हैं, कुछ खास फर्क नहीं है बेजल साइज़ में। हालांकि अगर आप साइड से देखेंगे तो ये आपको Redmi Note 5 Pro के मुकाबले थोड़ा स्लीक दिखेगा और इसी वजह से शायद आपको ये पसंद भी आए। और पीछे से भी इनफैक्ट अगर आप अभी देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो कैमरा प्लेसमेंट है और फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट है वो Redmi Note 5 Pro की तरह दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर एंटीना बैंड्स जो Redmi Note 5 Pro में थे वैसे नहीं है। इसका कैमरा जो है वो काफ़ी हद तक बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि Redmi Note 5 Pro में ऐसा नहीं था। और इसी वजह से इस फ़ोन में कैमरा पर स्क्रैचेस लगने के काफ़ी आसार हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जो कैमरा कंपनी ने बाहर निकाला और बॉडी को थोड़ा सा स्लीक कर दिया है, तो आपको इसमें एक अच्छी ग्रिप मिलने वाली है। ओवरऑल फ़ोन की लुक्स थोड़ी सी इम्प्रूव ज़रूर की गई है Redmi Note 5 Pro के मुकाबले। और आपको बता दूं कि इसमें अब आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी नहीं मिलता, नीचे सिर्फ स्पीकर ग्रिल और चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, जबकि राइट साइड में आपको पावर बटन और ये वॉल्यूम रॉकर की मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा ये सिम ट्रे और ऊपर की तरफ एज़ यूजुअल Xiaomi का जो हमेशा की तरह आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपको IR ब्लास्टर मिल जाएगा। ओवरऑल फ़ोन की लुक्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, बस जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है और कैमरा जो है वो बाहर की तरफ निकला है। और आपको मैं एक बार Xiaomi Mi A1 भी दिखा देता हूँ, मेरे पास वो स्मार्टफोन पड़ा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की लुक्स में काफ़ी अंतर है। इस बार ये रहा Xiaomi Mi A1, आप फ्रंट से भी देख सकते हैं कि Mi A1 में आपको बड़े बेजल्स मिलते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ कीज़ मिलेंगी, जबकि Xiaomi Mi A2 में स्क्रीन के अंदर ही आपको नेविगेशन की मिल रही हैं। और पीछे से आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स को, तो काफ़ी फ़र्क है डिज़ाइन में दोनों फ़ोन्स के इस बार। लेकिन डिज़ाइन के बारे में अब बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं हम इस फ़ोन के इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको बता दूं कि इसमें आपको मिल रहा है 5.99 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और इस पर कंपनी ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी अब आपको गोरिल्ला ग्लास 5 अपने फ़ोन में मुहैया करवा रही है। इसके साथ साथ कंपनी ने इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 660 चिप्स कि इसमें आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और 4GB की रैम दी है। अब हम देख लेते हैं कि क्या हम इसकी मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया है, लेकिन आप मेमोरी को एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो अगर आप 64GB की स्टोरेज के साथ सेटिस्फाई रहेंगे तो ये फ़ोन आपके लिए ठीक साबित होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो मिलता है जिस पर एंड्रॉयड 1 की इंटीग्रेशन दी गई है। जी हाँ, Mi A1 में भी एंड्रॉयड 1 की इंटीग्रेशन थी और Mi A2 में भी अब आपको एंड्रॉयड 1 की इंटीग्रेशन मिल जाती है। अब अगर हम इसके और हाईलाइट्स की तरफ गौर करें तो इसमें आपको मिलता है 12+20 MP का डुअल रेड सेंसर। अगर हम कैमरा क्वालिटी को यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, हालांकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है इसलिए कुछ खास जजमेंट दे नहीं पाऊंगा मैं आपको।
शटर स्पीड आप देख सकते हैं कितनी स्नैपी है, बटन दबाते ही फोटो खिंच जा रही है। और एक बार इसको हम ज़रा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से। और आपको साथ साथ बता दूँ कि कंपनी ने मेंशन किया है कि इसमें आपको जो 20 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है, जब आप पोर्ट्रेट मोड को ऑन करेंगे तो लो लाइट सिचुएशन में 20 मेगापिक्सल का सेंसर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और आपको एक अच्छी पोर्ट्रेट वाली इमेज मुहैया भी करवाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो कंपनी आपको दे रही है। साथ साथ फ्रंट में भी आपको 20 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है, एक बार मैं आपको उसका भी टेस्ट दिखा देता हूँ। हेलो, तो फ्रंट में भी आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, अगर आप बोके इफेक्ट वाली फ़ोटो तलाश रहे हैं तो ये फ़ोन अच्छी फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस देगा। इसके अलावा इसमें आपको 3010 mAh की बैटरी मिल जाती है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि इस फ़ोन में कंपनी ने क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट दिया है, और फिलहाल ये अभी इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि इसके साथ जो चार्जर आ रहा है वो इतनी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, इसमें 2 ampere का ही चार्जर मिलता है, वो मैं आपको शुरू में दिखाई चुका हूँ। लेकिन इसके लिए आपको सेपरेट चार्जर तलाशना पड़ेगा अगर आप क्विक चार्ज 4.0 चार्जिंग का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आपने देख लिया कि ये है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस स्मार्टफोन को लेके, आपकी क्या राय है प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। साथ साथ अगर आप इसका किसी और फोन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।